नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आंद्रे रसल ने आज एक के बाद एक टोटल 8 छक्के सिर्फ और सिर्फ एक ही पारी में जड़ दिए हैं और सिर्फ 30 गेंदों पर ही इन्होंने बहुत ही शानदार 70 रनों की पारी खेली है। तो किस तरह से आंद्रे रसल का आज तूफान आया और इस तूफानी पारी के बाद किस तरह का बाकी के खिलाड़ियों का रिएक्शन है, मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। केएल राहुल का इस पर रिएक्शन आ चुका है और केएल राहुल ने आंद्रे रसल को लेकर दिल छू लेने वाली बात कही है, इसलिए वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, आज दोस्तों जब मुकाबला हुआ तो पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करने के लिए आई थी और पंजाब किंग्स की उस तरह की शुरुआत नहीं हुई और इसी वजह से अंत में रसल ने पूरी तरह से आज पंजाब को मसल कर रख दिया। रसल ने आज सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों पर ही एक तूफानी रोमांचक पारी खेली और अपनी पारी में इन्होंने एक के बाद एक टोटल 8 छक्के जड़े हैं और इस पारी को जिसने भी देखा सब दहले हुए हैं और सबका कहना है कि आंद्रे रसल जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह का मुकाबला रहा। मयंक अग्रवाल आज सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए तो शिखर धवन भी ज़्यादा कुछ खास कर ना सके, 16 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन राज बक्शे ने एक बार फिर से अच्छी पारी खेली, लेकिन छोटी पारी थी, 9 गेंदों पर ही 31 रनों की। ये पारी बहुत तेज थी, 3 चौकों के साथ साथ 3 छक्के भी थे। इसके अलावा लिविंगस्टोन ने 16 गेंदों पर ही 19 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी पारी में इस पारी को तब्दील ना कर सके। इसके अलावा राज बाजवा ने 13 गेंदों पर 11 रन बनाए, शाहरुख खान अपना खाता भी ना खोल सके और अंत में देखने को मिला कि आज 16 गेंदों पर रबाड़ा ने एक छोटी सी 25 रनों की पारी खेली, तो कुल मिलाकर के पंजाब किंग्स 137 रनों पर पहुँच गई कैसे तैसे। लेकिन यहाँ पर केकेआर की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई और 138 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए अजिंक्य रहाणे बहुत जल्द सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर सिर्फ 3 ही रन बना सके तो सुरेश अय्यर भी 15 गेंदों पर 26 ही रन बनाकर बहुत जल्द आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर नीतीश राणा आए थे और नीतीश राणा भी आउट हो गए, तो कुल मिलाकर के देखने को ये मिला कि 51 रनों पर ही केकेआर के 4 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ से भी बड़ा टारगेट चेस करना था और अभी काफ़ी रन चाहिए थे। यहाँ पर ग्राउंड में एंट्री होती है आंद्रे रसल की और आंद्रे रसल के आते ही पूरी तरह से मैदान पर जो तूफान आया उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें, लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर का यहाँ पर एक विकेट और गिरता है तो पूरी तरह से मैच पंजाब के हाथ में चला जाएगा, लेकिन भूल गए थे सब कि अभी आंद्रे रसल बाकी हैं और आंद्रे रसल ने मैच पलटने की जो क्षमता है आज उसको दिखा भी दिया। आंद्रे रसल ने आज 31 ही गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली। इस पारी में देखिए सिर्फ 2 चौके हैं लेकिन जो छक्के हैं वो टोटल 8 छक्के हैं और ये छक्के बहुत लंबे लंबे थे। इस दौरान आंद्रे रसल का जो स्ट्राइक रेट था वो 225 का था। अब इस पर केएल राहुल का और तमाम दिग्गजों का बयान आया है और हर किसी का यही मानना है कि आंद्रे रसल जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। सभी ने कहा कि आंद्रे रसल यकीनन बेहद ही रोमांचक पारी आज खेल कर गए हैं, इस पारी को इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इस पारी को भुलाना मुमकिन नहीं है। तो जिस तरह की आज की यह पारी रही आंद्रे रसल की, दिल जीत लेने वाली पारी थी और इसका नतीजा यह निकला कि आज पंजाब किंग्स को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी कई सारे ओवर शेष रहते ही 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है और इस जीत के आज अगर कोई हीरो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आंद्रे रसल है। तो आंद्रे रसल की ये तूफानी पारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।